एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। दुनिया में एप्पल के स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। आप में से भी कई लोग एप्पल के फ़ोन्स इस्तेमाल करते होंगे। पिछले कुछ वर्षों से एप्पल ने इंडियन मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। इंडियन मार्केट में सफल होने के लिए एप्पल ने टाटा से मदद मांगी है। अब टाटा ग्रुप जल्द ही देश भर में 100 से भी ज़्यादा एप्पल स्टोर खोलने की तैयारी में है। टाटा ग्रुप ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए एप्पल के ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प से डील फाइनलाइज कर रही है। ये जॉइंट वेंचर भारत में ही आईफोन को असेंबल करेगी। जल्द ही ये फाइनलाइज होने वाली है, जिसके बाद टाटा आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। अभी भारत और चीन में विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन आईफोन असेंबल एंड मैन्युफैक्चरर करती है। हालांकि ये दोनों ही कंपनी ताइवान की है। अभी आईफोन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन में होता है। एप्पल विक्सकॉम, पेगाट्रॉम, फॉक्सकॉम जैसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को पार्ट सप्लाई करती है, जिसके बाद ये आईफोन्स तैयार करते हैं। एप्पल ने 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। अब टाटा के आने के बाद भारत में और भी ज़्यादा आईफोन्स का निर्माण होगा, यानी कि टाटा आईफोन के फैक्ट्री को भारत में ही सेटअप कर रही है। एप्पल चीन से अपनी डिपेंडेंसी को भी ख़त्म कर सकता है और इसके साथ भारत को भी काफ़ी फायदा होगा और भारत में आईफोन के रेट में भी गिरावट आ सकती है, जिससे एक साथ सभी को फायदा होगा। अपने इस कदम से टाटा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आखिर उसे गेम चेंजर और मार्केट लीडर क्यों कहा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।